शब्दार्थ मैंने आपको होमवर्क के लिए बोले थे और इस पार्ट का हिंदी अनुवाद करने के लिए भी मैंने बोला था। चाणक्य बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उन्होंने धनानंद का विनाश किया और उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक किताब भी लिखी जो आज भी प्रचलित है। इस चाणक्य के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, शब्दार्थ किए थे, पाठ का हिंदी अनुवाद किया था। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। आप सभी बच्चे अपनी बुक में पेज नंबर 19 निकालें और पेंसिल से टिक करना आंसर शुरू करें। आनंद आचार्य चाणक्य गुरु आसे चंद्रगुप्त मौर्य समुद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार। आचार्य चाणक्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आप ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ है आपकी बुक में, आप उस पर टिक करें। दूसरा प्रश्न देखें, चाणक्य पालिया आसे भद्रशाली प्रतिभाशाली गौरवशाली। प्रतिभाशाली चाणक्य बचपन में कैसे थे? प्रतिभाशाली। सब तीन बाल के अभवत प्रभावितो स्वामितो क्रुद्र। वह बालक से हुए क्या हुए? प्रभावित, स्वाभिमानी और क्रुद्र, तो क्या हुए? प्रभावित। आप प्रभावित पर टिक करें। घ बड़े वाला दस्य पुस्तक नाम आसीत। चाणक्य की बुक का क्या नाम था? राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया था अर्थशास्त्र। रिक्त स्थान बाद में करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। आपको प्रश्न उत्तर संस्कृत में लिखना है। मौर्य वंशस्य संस्थापक राजा धनानंद के अपमान से चाणक्य ने
मौर्य वंशीय संस्थापक आसे। अब यह चाणक्य के बचपन से प्रतिभाशाली थे, इसको संस्कृत में लिखना है आपको, चाणक्य बाल्या बाल्यता होता है बचपन से, चाणक्य बाल्या प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली आसे। ये आपको संस्कृत में इसी प्रकार के सारे अनुवाद करने हैं, दो मैंने आपको लिख दिए हैं, तीसरा मैं आपको और बता रही हूँ। राजा के अपमान से चाणक्य बहुत क्रोधित हुए, आप यहाँ इसका संस्कृत लिखेंगे, राज्य अपमाने चाणक्य अति क्रुद्ध। अब अति क्रुद्ध अब ठीक है, ये खत्म हो गया संस्कृत अनुवाद। अब होमवर्क है।